खस्ता ख्वाब ने संगी खिलाए दे जनाब वो एक्सीडेंट ने वो छटना ही कर दिया और मैं तो सबसे बड़ा याद कीता जी यार मेरा पहले मिकियाने से खरसा फिर को नहीं खड़ा ने ना मैं कितने कुछ खाई के छा मैं कितना खाई के छा रहता ना सुनिया सी ख्वाब ने मतलब के कावा देने ऊपर से मैं ये ना मैं कितना कुछ खाई के ना साबर गया साजद गया तुसा गए कौन गया मैं कितना कुछ खाई के ना जितना त्रै बंदे खा पहले तुसी जस सुन जी जी मैं बिल्कुल कह रजिस्टर्ड था कि तुसी जाओ जी पर इश्क लड़ाई चलो इश्क लड़ाई वो भी क्या विच ऐसी विच ओनी गल दसो कैसी मोटरवे ते करना है मोटरवे मैं नहीं गल दसो मैंने ना क्या सच्ची खरसा मैं अगर कितना कुछ खाई के ना हूँ एक गल है कि अगर माड़ा नुकसान है तो नुकसान उन्होंने भी होया पूछो क्या नुकसान राइटर तो गया ना हूँ लिखवाना अपने प्यो को लूँ साजद को लूँ साबर को लूँ रिजवाना को लूँ जफर को लूँ मैं लिखा ना शहजादा साहब मैं लिखा ना तो फिर मैं इतना ही हाँ रुमी रुमी चलो कोई नहीं खैर है बस ठीक है राइटर तो क्या है अच्छा जी राइटर तो क्या कितने कुछ खाएंगे ना ये स्किट का नाम है जी कितने कुछ खाएंगे ना राजा तेरा जस्ती हुई है जी नाजरीन अस्सलामु अलैकुम जी मैं हूं आपका अपना इमरान अब्बासी और आप हमारा चैनल देख रहे हैं YouTube का चैनल सतबरगा टीवी तो इस टाइम हम मौजूद हैं जी कराल चौक में जी ये निक्का राजा जी के कोठी पे उनके डेरे पे तो आज यहां पे हमारी रिकॉर्डिंग है जी तो आज आपकी मुलाकात हम सब एक्टरों से करवाते हैं आज हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं फखरे पुटवार अमीर बाबर साहब रमज़ानी साहब वो भी मौजूद हैं जो निक्का राजा साहब हैं जिनका ये डेरा है वो भी यहाँ मौजूद हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं तो यहाँ पे जितनी भी कास्ट है सबसे आपकी मुलाकात करवाते हैं तो जी नाजरीन अब आपकी मुलाकात कराते हैं जी ये रमज़ानी साहब से जी तो आए जी आगे जी अभी मिलते हैं जी हम रमज़ानी साहब से जी जी नाजरीन तो ये हैं जी बाबर साहब जी बाबर साहब क्या हाल है आपके जी आप कहाँ पे हैं अभी तो क्या कर रहे हैं जनाब बाबर साहब जी आज हम सतबरगा टीवी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं निक्का राजा हाउस कराल चौक में और निक्का राजा राजा तसीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ये इनकी मेहरबानी है कि इनके डेरे पे इतना खूबसूरत डेरा है इसको हम शुरू कर रहे हैं इनके प्यार मोहब्बत से और आप भी सतबरगा टीवी देखते रहिएगा ये आपके लिए है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें घंटी का बटन दबा दें तो जी निक्का राजा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे जी सतबरगा टीवी के हवाले से और आज यहाँ पे रिकॉर्डिंग है रमज़ानी साहब की तो इनको कोई मैसेज देना चाहें या कोई ये बाबर भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं जी हम इनको अपने डेरे पे वेलकम करते हैं तो इस तरह आप ये चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करें तो जी अब आपकी मुलाकात कराते हैं जी ओ जो हमारे हैं जी DOP रमान साहब जी इनसे मुलाकात करवाते हैं जी रमान साहब आज आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो माशाल्लाह कैसा लग रहा है जी गर्मी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैसी लग रही है आपको गर्मी तो बहुत ज़्यादा है मगर जब बंदा रिकॉर्डिंग करता है तो फन मज़ा होता है शोल मेला होता है तो पता नहीं चलता रिकॉर्डिंग कैसे गुजर जाती है बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है रमेश बाबर साहब हमारे साथ है और रमज़ानी जिनको आप सब जानते हैं फखरे पुटवार और निक्का राजा के डेरे पे आज शूटिंग है तो हम जो ड्रामा स्क्रिप्ट इस वक्त बना रहे हैं आई होप ये आप सबको बहुत पसंद आएगा हम बहुत जल्द चैनल पे अपलोड करेंगे सतबरगा टीवी पे सो प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा सतबरगा टीवी और सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल वाला बटन दबाना मत भूलिएगा तो जी नाजरीन अब आपकी मुलाकात कराते हैं जो आज के राइटर डायरेक्टर हैं हमारे जी राजा साहब जी उनसे मुलाकात कराते हैं राजा तैर साहब से तो ये माशाल्लाह अभी भी स्क्रिप्ट में मसरूफ़ हैं तो जी राजा तैर साहब आप क्या कहना चाहते हैं आज की रिकॉर्डिंग के हवाले से जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ हम ये काम करें और आज हम इस वक्त कराल चौक में हमारे बहुत ही जाने पहचाने शख्सियत है जी किसी तारे के मुताबिक निक्का राजा जी राजा बाबू साहब हम उनके डेरे पर हैं तो उनका शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया है और हम शूटिंग कर रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या करें काम तो करना है
क्या सर, आप रमजानी साहब हमारे साथ हैं फखरे पुटफार, तो कहते हैं कि बात सुनो राजा, किस बात की गर्मी है तुझे मैं शाम को खुश कर देता, पता नहीं खुश क्या करेंगे ये शाम को बड़ा पता। तो जी नाजरीन, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जी, क्या नाम है हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जो नवीद साहब जी, इनसे ये आज क्या कहना चाहते हैं जी रिकॉर्डिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, आज गर्मी तो बहुत है, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह, तो आप देखिए हमारे चैनल को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो आज आपको अगले आर्टिस्ट हैं जो हमारे माशाल्लाह से देखने में तो बहुत ही मोटे हैं, ये आपका अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे माशाल्लाह असद साहब, तो ये माशाल्लाह इनसे मुलाकात करते हैं जी। इनको तो माशाल्लाह आज मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा गर्मी लग रही है असद साहब को ना, माशाल्लाह देखने में भी मोटे हैं और दिल के भी मोटे हैं जी। असद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सर जी आपने मुझे यहाँ काम करने का मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम टीम का। बाकी तो जो आप गर्मी की और मोटापे की बात करें, ये तो बस ये अल्लाह की तरफ से किस्सा है, इसको तो हमें ना चाहते हुए भी मैनेज करना पड़ता है। बाकी है कि बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, अल्लाह ताला साथ आबाद रखे सारी टीम को, तमाम चाहने वालों को, बहुत शुक्रिया जी इमरान भाई, थैंक यू। तो जी नाजरीन, अब आपको अगले जो आर्टिस्ट हैं हमारी फ़ीमेल उनसे तारफ करवाते हैं जी, वो यहाँ से तभी माशाल्लाह से कहीं मेरे ख्याल से गायब हैं, उनको भी हम ढूंढते हैं, तो ढूंढ के तो उनको भी ले के आते हैं सामने, तुमसे भी मुलाकात करवाते हैं। तो पहले आज आपको जो है तो ये राजा साहब का जो डेरा है उसकी हम आपको दिखाते हैं जी, लुक कैसी है माशाल्लाह, ये देखें जी उनका डेरा है जी निक्का राजा साहब का जी, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत डेरा है, ये उनकी गाड़ियाँ हैं जी, और ये देखें जी ये माशाल्लाह से उनका डेरा है। टेंशन में परेशानी में ये क्या हो गया, thank you।